आज के वक्त में ट्रांसपोर्टेशन हम इंसानों के सबसे खास जरूरतों में से एक है। अगर देखा जाए तो बिना ट्रांसपोर्टेशन के हम एक सप्ताह से भी अधिक अपनी जिंदगी नहीं बिता सकते, क्योंकि खाना हो चाहे पानी हो, हर चीज कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ है। और बात अगर ट्रांसपोर्टेशन की हो तो सबसे पहले हमारे मन में रेलगाड़ी, हवाई जहाज और बस जैसी चीजें ही आती है, जिसमें हम बैठकर एक जगह से दूसरी जगह का सफर आसानी से तय कर लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपके मन में सवाल आया है कि जिस हवाई जहाज में बैठकर हम सैकड़ों किलोमीटर लंबी यात्रा महज कुछ मिनट्स में कर लेते हैं, उस हवाई जहाज को बनाया कैसे जाता है? जिस बस में बैठकर हम घर से कॉलेज और कॉलेज से वापस घर आते हैं, उस बस को आखिर तैयार कैसे किया गया? आखिर कितने लोगों ने और किस तरीके से इस बस को तैयार किया? आज इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाबों को बड़ी बारीकी से बताएंगे। हम आपको बताएंगे कच्चे लोहे से हवाई जहाज और बस बनने तक के सफर की कहानी, जिसे देखना आपके लिए बहुत ही रोमांचक होने वाला है कि कैसे सैकड़ों लोगों की टीम 24 घंटे और 8 दिन लगातार मेहनत के बाद एक भारी भरकम हवाई जहाज को उड़ने के लिए तैयार कर देता है। लेकिन वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, हवाई जहाज देखकर ही समझ में आ जाता है कि इसे उड़ने लायक बनाना किसी बच्चे का खेल नहीं, बल्कि इसे बनाने वाले इंजीनियर ने कई सालों तक एक्सपीरियंस लेने के बाद ऐसी चीजों को तैयार किया होगा। और ये बात सच भी है, क्योंकि हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी किसी छोटे मोटे इंजीनियर को हायर नहीं करती, बल्कि ये दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स को अपनी फैक्ट्री में बुलाते हैं। क्योंकि हवाई जहाज में एक भी छोटी से छोटी चूक भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हवा में जब कोई गलती होती है तो उस गलती को सुधारने की गुंजाइश ना के बराबर होती है। दोस्तों, आपको बता दें, हवाई जहाज को बनाने में कम से कम 8 से 10 दिन का वक्त लगता है। और हम बात दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी बोइंग की ही कर रहे हैं, जिसके हवाई जहाज आज के वक्त में दुनिया के हर एयरलाइंस में मौजूद हैं, चाहे वो कतर एयरवेज हो या फिर इंडियन एयरलाइन। हवाई जहाज को तैयार करने के लिए सबसे पहले वहां के इंजीनियर हवाई जहाज के ढांचे को तैयार करते हैं। हवाई जहाज का ढांचा 3 अलग अलग भागों में तैयार होता है, उसका अगला सिरा अलग, बीच का भाग और पिछला भाग। अब इस ढांचे को हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी के फिटिंग डिपार्टमेंट में लाया जाता है, जहां तैयार हो चुके इन 3 अलग अलग ढांचों को एक साथ बहुत ही मजबूती के साथ जोड़ दिया जाता है। और इनके अलग अलग पार्ट्स को जोड़ने में जरा सी भी लापरवाही नहीं की जाती, क्योंकि यही मजबूती हवाई जहाज की सबसे मेन मजबूती होती है। हवाई जहाज के उन 3 पार्ट्स को एक साथ जोड़ने के बाद वहां इंजीनियर्स हवाई जहाज के अंदर खिड़की, दरवाजे और हवाई जहाज के तमाम इंटीरियर्स का काम शुरू कर देते हैं, और उन्हें बहुत बारीकी, सफाई और मजबूती के साथ हवाई जहाज से जोड़ते हैं। हवाई जहाज के अंदर इंटीरियर का काम करने में वहां के इंजीनियर को लगभग 3 दिनों का समय लग जाता है। इंटीरियर का काम करने के बाद हवाई जहाज के अंदर एक परत को चढ़ाया जाता है, ताकि हवाई जहाज दिखने में सुंदर लगे। ये काम पूरा होने के बाद कुछ ही देर बाद उस हवाई जहाज में पंखों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और उस हवाई जहाज के लेफ्ट और राइट विंग को जोड़ दिया जाता है। ध्यान रहे, ये सभी काम बहुत ही मजबूती के साथ किए जाते हैं। अब बारी आती है हवाई जहाज में लगे पहियों की। हवाई जहाज में लगे सभी पहियों को अच्छे तरीके से फिक्स करने के बाद 5वें दिन हवाई जहाज के सबसे मेन काम को अंजाम दिया जाता है, वो है हवाई जहाज का ऑपरेटिंग सिस्टम को फिटिंग करने का काम। यानी कि हवाई जहाज के कॉकपिट में मौजूद हर एक मशीन को अच्छी तरह से फिट किया जाता है, जिसका इस्तेमाल करके पायलट हवाई जहाज को आसमान तक लेकर जाते हैं। अब शुरू होता है हवाई जहाज के अंदर मौजूद बाकी जरूरी चीजों को फिट करने का काम। हवाई जहाज के बाथरूम, अलमारी, किचन, हर एक चीज का सामान को बहुत अच्छे तरीके से सजा दिया जाता है। अब हवाई जहाज अंदर से बिल्कुल वैसा ही दिखाई देने लगता है जब आप सफर करते वक्त हवाई जहाज के अंदर प्रवेश करते हैं। अब तक 6 दिन बीत चुके हैं, और अब इंजीनियर का काम होता है हवाई जहाज के अंदर इंजन को फिट करना। हवाई जहाज के दोनों पंखों पर लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर एक भारी भरकम इंजन को लगा दिया जाता है। इन इंजनों में कितनी ताकत होती है ये तो आपको पता ही होगा। इंजन लगाने के बाद वहां मौजूद इंजीनियर कॉकपिट में बैठकर हवाई जहाज के हर एक चीज की चेकिंग करते हैं कि इंजन, पंखे या फिर किसी भी तरह की टेक्निकल चीजें ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं। चाहे वो हवाई जहाज के अंदर मौजूद एक छोटा सा लाइट बल्ब ही क्यों ना हो। सब कुछ अच्छे तरीके से जांच करने के बाद हवाई जहाज को पेंट करने का काम शुरू हो जाता है। हवाई जहाज को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे तरीके से पेंटिंग की जाती है। पेंटिंग के साथ साथ हवाई जहाज को जिस एयरलाइन में पहुंचाना है उसे एयरलाइन का लोगो और नाम भी उस हवाई जहाज के ऊपर लिखा जाता है, और इसके साथ ही उस हवाई जहाज के ऊपर उसका मॉडल नंबर भी चिपकाया जाता है,
ताकि दुनिया को ये पता चल सके कि जिस हवाई जहाज में वो सफर कर रहे हैं उस हवाई जहाज का मॉडल कौन सा है। अब बारी आती है हवाई जहाज की असली परीक्षा लेने की। हवाई जहाज को मैन्युफैक्चरिंग जोन से बाहर रनवे पर लाया जाता है। एक अनुभवी पायलट उस हवाई जहाज में बैठकर हवाई जहाज को हवा में उड़ाने के लिए तैयार करता है और अच्छी खासी दूरी हवा में तय करने के बाद जब उस पायलट को ये लगने लगता है कि हवाई जहाज पूरे तरीके से ठीक है और यात्रियों को बैठाकर उड़ सकता है, वो हवाई जहाज को एयरलाइंस में पहुंचाने के लिए अप्रूव कर देता है, जिसके बाद उस हवाई जहाज को उड़ाकर एयरलाइंस कंपनी को सौंप दिया जाता है। ऐसा करने में हवाई जहाज की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली टीम को 8 से 10 दिन तक का समय लगता है। बस मैन्युफैक्चरिंग, रेलगाड़ी के बाद एक जगह से दूसरी जगह तक सफर करने के लिए बस ही सबसे बेहतरीन साधन होता है। आपने भी बस में सफर तो जरूर किया होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, बस को बनाने का काम भी कोई आसान काम नहीं होता। इसे बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बहुत ही अनुभवी इंजीनियर को हायर करता है, क्योंकि बस में हुई एक छोटी से छोटी गलती भी कई यात्रियों की जान पर भारी पड़ सकती है। दोस्तों, जब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर बस को तैयार किया जाता है तो उसके लिए सबसे पहले लगभग 3000 किलो से अधिक स्टील की जरूरत पड़ती है। ये या तो स्टील की परत होती है या फिर स्टील के चौकोर और गोल पाइप। इन्हीं स्टील के परत और चौकोर या फिर गोल पाइप की मदद से सबसे पहले बस के ऊपरी भाग को तैयार किया जाता है, जो दिखने में थोड़ा अजीब लगता है। उसके बाद बिल्कुल उसी तर्ज पर बस के लेफ्ट राइट और निचले भाग को भी तैयार कर लिया जाता है। जब बस के चारों दिशाओं का ढांचा तैयार हो जाता है तो इंजीनियर्स की एक टीम उन चारों ढांचों को एक दूसरे से अच्छी तरीके से जोड़कर बस का रूप दे देती है। बस के ढांचे को जोड़ने के लिए वेल्डिंग मशीन का यूज किया जाता है। इन वेल्डिंग मशीन से ही बस के हर हिस्से को बहुत ही मजबूती से जोड़ा जाता है और ढांचे को एक दूसरे से जोड़ने के बाद उसे आगे की तरफ बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद बस के उस ढांचे के ऊपर स्टील या फिर लोहे की परत को चढ़ाया जाता है। बस के हर उस हिस्से पर जहां स्टील या फिर लोहे की परत की जरूरत होती है, हर उन हिस्सों पर बहुत ही मजबूती के साथ उस परत को चढ़ा दिया जाता है, जिसके बाद बस दिखने में थोड़ा थोड़ा बस के जैसा लगने लगता है। अब उसके बाद बस को उठाकर उसे पेंट और केमिकल के एक ऐसे घोल में डुबोया जाता है जिससे बसों के ऊपर जल्दी जंग ना लगे और बसें खराब ना हो, और बस को जिस कलर की भी पेंटिंग देनी होती है उसे उस कलर के घोल में डुबो कर निकाल लिया जाता है। अब इसके बाद बस के अंदर हर तरह के वायर को फिट किया जाता है। वायर को फिट करने के बाद बस के नीचे अगले और पिछले पहियों के साथ साथ पेट्रोलिंग सिस्टम को भी फिट कर दिया जाता है, और उसके बाद बस के अंदर सबसे मेन चीज बस के इंजन को लगाया जाता है। अब लगभग बस पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, बस इनमें थोड़ी बहुत चीजों की कमी रह जाती है। सब कुछ होने के बाद बस के अंदर क्लच और स्टेयरिंग जैसी मुख्य चीजों को जोड़ा जाता है, और वहीं इंजीनियर की एक टीम बस के अंदर बैठने के लिए सीट तैयार कर रहा होता है। जब सारी चीजें पूरी तरह से ठीक ठाक हो जाती हैं, तो उसके बाद जरूरत के अनुसार बस के अंदर सीट को फिट किया जाता है। अब बस लगभग पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, जिसके बाद वहां इंजीनियर की टीम बस को ऑन ऑफ करके हर एक चीज की जांच करती है और सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं, और अंत में बस की टेस्टिंग राइड के लिए सड़क पर लाया जाता है और सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को सौंप दिया जाता है। प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग। प्लाईवुड क्या होता है और इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। खिड़की हो, अलमारी हो, दरवाजा हो या फिर टेबल या कुर्सी, आज के दौर में हर चीजों को सुंदर बनाने के लिए प्लाईवुड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हल्का और मजबूत होता है। लेकिन ये बनता कैसे है, हम में से अधिकतर लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो चलिए आपको लेकर पहुंचते हैं प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। सबसे पहले प्लाईवुड बनाने वाली कंपनी को ढेर सारी लकड़ी की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए बहुत सारे पेड़ों की कटाई की जाती है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। बड़े बड़े पेड़ों की कटाई के बाद उसे छोटे छोटे पीस में काट दिया जाता है, और काटने के बाद ट्रक के द्वारा उन लकड़ियों को सीधे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भेज दिया जाता है, जहां उन लकड़ियों की सबसे पहले एक मशीन के द्वारा उसकी ऊपरी परत की घिसाई की जाती है। आप ये भी बोल सकते हैं कि लकड़ी के ऊपर जो छाला होता है उसे हटा दिया जाता है। उसे हटाने के बाद उन लकड़ियों को एक अलग मशीन में फिट किया जाता है। वो मशीन लकड़ी के पतले पतले परत को काटना शुरू कर देता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वहां मौजूद सभी लकड़ियों के पतले पतले परत कटने शुरू हो जाते हैं, और वे सभी पर एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के और अंदर तक पहुंचता है, जहां मौजूद वर्कर्स उन पतले परत को उठाकर स्टोर करता जाता है। और जैसे उस प्लांट को कहीं से ऑर्डर मिलता है, ऑर्डर के अनुसार परत को उठाकर एक बहुत ही अधिक दबाव वाली मशीन के अंदर डालते हैं। वो मशीन उस परत के ऊपर इतना अधिक दबाव डालता है कि 2 से 4 परत एक दूसरे से बहुत मजबूती के साथ चिपक जाता है, और अब लकड़ी का यह पतला परत तैयार है आपके लिए अलमारी या फिर टेबल बनाने के लिए।
तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से हवाई जहाज या फिर आपके घरों में यूज होने वाला प्लाईवुड को तैयार किया जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप हमारी वीडियो में किन चीजों के मेकिंग प्रोसेस को बारीकी से जानना चाहेंगे, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज लाता रहता है।